ये प्रभु की उपासना का मतलब क्या है, उपासना क्या है? तो मेरे प्रियो, ये जो प्रभु की उपासना है, इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना। आप मेरे साथ में निकाले प्रेरितों के काम 13:1-4। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाउल। जब वे उपवास के साथ प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया। तब वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले। यहां पे लिखा हुआ है, जब वे उपवास के साथ प्रभु की उपासना कर रहे थे। अब ये प्रभु की उपासना का मतलब क्या है, उपासना क्या है? तो मेरे प्रियो, ये जो प्रभु की जो उपासना है, इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना। उपासना का मतलब होता है परमेश्वर को देना, उसकी महिमा करना। आराधना और स्तुति देना उपासना कहलाता है। लेकिन जो प्रार्थना होता है मेरे प्रियो, प्रार्थना में हम मांगते हैं, उपासना में प्रभु को देना, आराधना और स्तुति देना, इसको कहते हैं उपासना। लेकिन आज के दौर में कलीसियाओं के अंदर में हर संडे चर्च लग रहा है, लोग चर्च में आ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आज चर्चेस के अंदर में जो प्रभु की जो उपासना है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। कलीसियाओं के जीवन से भी, सेवकों के भी जीवन से, यहाँ तक के जो कलीसिया की सभा लगती है उस सभा से भी, जो प्रभु की जो उपासना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज लोग प्रभु की उपासना में मन नहीं लगाते, अर्थात आराधना और स्तुति में भी मन नहीं लगाते, उनका मन लगता है प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो मांग रहे हैं अपने जीवन की आवश्यकता और जरूरतों में, और परमेश्वर देगा, इसलिए उनकी ज्यादा दिलचस्पी प्रार्थना पर होती है। लेकिन आराधना और स्तुति में वे मांग नहीं रहे हैं, वे परमेश्वर को दे रहे हैं। तो वो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आराधना और स्तुति करने से हमको क्या लाभ, हमको क्या मिलेगा, वो तो परमेश्वर की महिमा होगी लेकिन हमको क्या मिलेगा। और बहुत सारे लोग इस प्रकार के सोच और विचार, जो कि स्वार्थी सोच और विचार है, इसके कारण से वे धीरे धीरे करके प्रभु की उपासना से दूर होते जा रहे हैं, वो प्रभु की आराधना और स्तुति से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तक के सभाओं में भी आज प्रभु की उपासना का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, आराधना और स्तुति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चर्च के अंदर में जब संडे चर्च जाते हैं तो चर्च में आराधनाएं होती है, गीत गाए जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो उपासना नहीं है। कैसे? देखिए, चर्च में आपको मैं बता दूं, अधिकांशतः हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, हम एक दूसरे की जो है वो सेवा करते हैं, और बहुत कम होता है जो कि उपासना करते हैं। जैसे चर्च में जो वर्शिपर्स होते हैं वो आराधना के गीत गा रहे हैं लेकिन वो उपासना नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कलीसिया के लिए, और वो चर्च के लिए, और वो कलीसिया के लिए आराधना के गीत गा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं कलीसिया की, वो उपासना नहीं कर रहे हैं। जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं लेकिन वो उपासना नहीं कर रहे हैं, परंतु वो इंस्ट्रूमेंट इसलिए बजा रहे हैं चर्च के लिए या कलीसिया के लिए, मतलब सेवा के लिए, वो सेवा करने के लिए ही वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उसको उपासना नहीं कहते मेरे प्रियो। उसी प्रकार से जब एक पासबान पास्टर पुलपिट में खड़े होकर के जब वो प्रचार कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है या वो प्रार्थना कर रहा है, तो वो प्रभु की उपासना नहीं कर रहा है, वो प्रभु की आराधना स्तुति नहीं कर रहा है,
वो क्या कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। तो आज की डेट में ऐसा हो गया है मेरे प्रियो कि चर्च के अंदर में प्रभु की उपासना का स्तर गिरता जा रहा है और चर्च में अब जो भी कुछ है वो सिर्फ सेवा है। लेकिन आरंभिक कलीसिया में अगर आप देखेंगे तो आरंभिक कलीसिया में ऐसा नहीं था, लोग प्रभु की आराधना करते थे, उपासना करते थे। पुराने समयों में भी मेरे प्रियो आप देखेंगे कि जब लोग कलीसिया में एकत्रित होते थे तो एकदम टूट करके, एकदम रो करके वो प्रभु की उपासना करते थे, आराधना करते थे, स्तुति करते थे, एकदम लीन हो करके वो प्रभु की आराधना करते थे, वो प्रभु की स्तुति करते थे, लीन हो करके, पूर्ण रीति से लीन हो करके वो देते थे। व्यक्तिगत, पर्सनल, मतलब प्रभु और मैं, कोई नहीं, आजू बाजू कौन क्या है, किसी के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए गा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए आराधना कर रहा हूं, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूं, मैं प्रभु की बढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं और ये मेरा प्रेम जाहिर करने का तरीका है। इसको कहते हैं उपासना। लेकिन आज चर्चेस में क्या हो रहा है मेरे प्रियो, वर्शिपर लोग सुर और ताल के साथ गा रहे हैं, बेहतरीन बजा रहे हैं, लेकिन उनका पर्सनल कॉन्टेक्ट, पर्सनल परमेश्वर के साथ में वो अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है स्पिरिचुअली। वो गा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, बजा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन कलीसिया के लिए, ये बुरी बात नहीं, ये सेवा है, समझ में आ रहा। एक प्रचार करने वाला प्रचार कर रहा है तो वो प्रभु के लिए नहीं, वो कलीसिया के लिए कर रहा है, वो सेवा है। लेकिन उपासना क्या होता है, एक व्यक्ति पर्सनल प्रभु से जुड़ता है और पर्सनल वो प्रभु को अपना प्रेम जाहिर करता है, आराधना के द्वारा उसकी महिमा करता, उसकी बढ़ाई करता, उसकी प्रशंसा करता है, कहता है तू प्रभु महान है, तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर, तू प्यारा खुदा है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू मेरा प्यारा खुदा है, हम ऐसे वर्शिप करते हैं। इसको कहते हैं मेरे प्रियो उपासना। ये चीजें हैं उपासना। उपासना देखे, एक चीज याद रखे, परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया, कि मनुष्य मेरे साथ संगति करें। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो मानव जाति है, जो मनुष्य है, वो मेरे साथ संगति करे और मेरी आराधना करें। बस इसी पर्पस के लिए मनुष्य बनाए गए थे। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था अपनी वर्शिप के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए, लेकिन जो लूसीफर था वो शैतान बन गया। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, क्यों, कि वो मेरे साथ संगति करें और मेरी आराधना करें। अगर आप भक्ति शब्द को समझें तो भक्ति का मतलब मेरे प्रियो लेना नहीं होता, भक्ति का मतलब मांगना नहीं होता, भक्ति का मतलब देना होता है, भक्ति का मतलब देना होता है। हम जो प्रार्थना करते हैं ना, हे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु आशीष दीजिए, आशीषों में बढ़ाइए खुदावल, सेवकाइयों को बढ़ाइए प्रभु, आप हमें बढ़ाइए, ये भक्ति नहीं है। हम दे नहीं रहे हैं, हम मांग रहे हैं प्रभु से। अगर हम मांग रहे हैं तो उसको भक्ति नहीं कहते मेरे प्रियो, लेकिन जो हम प्रभु को देते हैं ना, अपना समय देते, अपना तन देते हैं, अपना मन देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना समय देते हैं, उसको उपासना कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। जो हम देते हैं ना, उसको हम महिमा कहते हैं, उसको हम उपासना कहते हैं, और परमेश्वर ने इसी के लिए मनुष्यों को बनाया। लेकिन मेरे प्रियो आज ऐसा हो गया कि जो मनुष्य है वो परमेश्वर के उद्देश्य से दूर हो गया। आज बहुत से विश्वासी, आज बहुत से जो मसीही हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, आत्म केंद्रित हो चुके हैं। वो परमेश्वर की उपासना करना है, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना है, या उसको समय हमको देना है, इससे आज लोग दूर हो चुके हैं। आज विश्वासी और मसीही जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को ज्यादा कर रहा है, क्या, वो मांग रहा है प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु आशीष दे दे, प्रभु समस्या दूर कर दे, प्रभु चिंता दूर कर दे, बस वो मांग रहा है। परंतु वो आराधना में उसकी दिलचस्पी नहीं है, स्तुति में दिलचस्पी नहीं है, वो उसकी उपासना में दिलचस्पी नहीं है। धीरे धीरे करके आज एक विश्वासी मसीही या मनुष्य मेरे प्रियो खुदा के उस उद्देश्य से दूर होता जा रहा है, जबकि हम मेन उद्देश्य हमारा यह है कि खुदा के साथ में संगति करना। संगति का मतलब होता है उसकी आराधना करना, उसकी वर्शिप करना, प्रेज करना, वर्शिप करना, उसको महिमा देना, उसको देना, ये है। अगर हम ये कर रहे हैं, मैं बता दूं, अगर हम ये कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, हम उसके दिल को जीत रहे हैं, हम उसको प्रसन्न कर रहे हैं।